नमस्कार, मैं रविंद्र आसोस, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे मैत्री पार्क के उन लोगों की जिनके पास घर तो है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं को लेकर लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बिल्डर किस तरह से इनके सपनों को चकनाचूर कर रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी परेशानी महसूस कर रहे हैं? परेशानी क्या, महाराज आज 52 से शुरू किया था, आज 62 हो गया। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ लेकिन उम्मीद हमारी सब असफल हो गई है। हमारे बुजुर्ग थे जितने इस वीर डेवलपर से चले थे, करीब करीब 40-45 लोग स्वर्गवास हो गए। आज उम्मीद लगा के हमको भी नहीं लगता कि हमें ये रीडेवलपमेंट मिल सकेगा, तो ये रीडेवलपमेंट के नाम पे एक लानत है, एक डिजास्टर है। जो आज हम हीरानंदानी बिल्डर जो मैत्री पार्क में डेवलप कर रहा है, ये पूरे बॉम्बे में एक हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक बात है और हमें लगता है कि ये इतना बड़ा एक हीरानंदानी काम करता हो, इस काम में नाकाम हो। बिल्कुल ये बात जारी रखेंगे, लेकिन ये बिल्डिंग पर आपको दिखाना चाहेंगे। इसी बिल्डिंग को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब तक शिकायतें दूर नहीं होंगी तब तक इनके दिलों के अंदर का जो दर्द है, जो सुकून महसूस होना चाहिए अपने घर के नाम पर, उससे वो अब तक वंचित है। निश्चित रूप से कानून का भी अपना एक सफल तर्क होगा। सर, आप क्रिमिनल एडवोकेट हैं, आप किस तरह से परिभाषित करेंगे इस समस्या? समस्या ये खाली मैत्री पार्क एक सोसाइटी की नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कमेटी के साथ मिलके, जो कमेटी को आई डोंट नो वो कौन सी लालच देते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कभी पूरे ही नहीं होते। आज ये प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये प्रोजेक्ट 7 साल में पूरा होना था, आज दिन तक ये एग्रीमेंट आज 10 बरस हो गए, 12 बरस हो गए, अब तक खाली 2 टावर बने और उनमें भी ओसी नहीं आई। और आज बिल्डर और सोसाइटी कमेटी मेंबर्स का बोलना ये है कि आप कंप्लेंट करते हो तो हमको ओसी नहीं मिलती है, बीएमसी हमको नहीं दे रही है। तो यही पूछना चाहता हूँ कि क्या बीएमसी कंप्लेंट और लेटर के हिसाब से काम करती है या उनके अपने नॉर्म्स और उनके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है? अच्छा, इस बात का आप इनकार क्यों नहीं करेंगे कि घर का भेदी संकट है, कुछ अपने ही अधीन के लोग हैं जिनकी वजह से बिल्डर को प्रोत्साहन मिल रहा है? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर कैसे हो सकता था? एक बार का बिल्डर आके इतना कैसे बड़ा हो सकता है कि वो हमसे भी बड़ा हो जाए? सोसाइटी हमारी, ज़मीन हमारी, तुम हमारी जगह पर आके बनाते हो, FSI हमारा यूज़ करते हो, 1 रुपये का TDR खरीदते नहीं हो और फिर भी तुम ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि मैत्री पार्क है क्योंकि हीरानंदानी है, इसके लिए मैत्री पार्क है। लेकिन ये कमेटी को समझना चाहिए कि हम हैं तो कमेटी है, सोसाइटी है तो हीरानंदानी। अगला कदम क्या होगा कानून के साथ? अभी तो फ्रेश इलेक्शन आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ इलेक्शन है, तो कम से कम मैत्री पार्क के लोग अब तो देखें कि किनको वोट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। जिसको भी वोट करें, ये कमेटी हो चाहे दूसरी कमेटी हो, लेकिन कम से कम इतना देखा जाए कि काम हो। ऐसे तो अगर यही हालत रहा तो सोसाइटी बिक जाएगी, और आज नहीं तो कल जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से तो कमेटी ये सोसाइटी बिक ही जाएगी। और जिस तरह से उनके अंदर जो रोष है उसको समझने की बात ज़रूर होनी चाहिए। और हीरानंदानी जी, आप भी ध्यान से इनकी बातों को सुनिए, हम आपके पास भी आएंगे और पूछेंगे सवाल कि वाकई इनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ और आप किस तरह से उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप बताइए, ये जो मैनेजिंग कमेटी एट प्रेजेंट जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से पूरा हो। हमारा जो एग्रीमेंट है हीरानंदानी से, उसके अंदर ये कभी का भी ये इशू लिया गया है जनरल बॉडी मीटिंग में, और कभी भी ये हाँ ना किया जा रहा है, मगर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन साइड पर कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि ये कमेटी कभी भी जनरल बॉडी मीटिंग कोई नहीं बुलाती, यहाँ के मेंबर्स को किसी को भी आकर ये नहीं बताती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं काम आगे हो रहा है। ये सब मकान खाली पड़े हुए हैं, इनको करीबन 4 साल हो गए हैं, ना तो ये डिमोलिश हुए और ना आगे डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो ये है कि हमको चीटिंग किया जा रहा है ये प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी से कि ये डेवलपमेंट कैसे नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्या नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का कि तुमने ये किया इस वास्ते ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। वो एक्चुअली वास्तव में ये है कि ये डेवलपमेंट सब हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, तो जो बिल्डर है उसका ये कर्तव्य है कि वो ओसी दे, मगर ओसी के बिना ये बहुत से मेंबर्स अंदर जाकर के रहने लगे हैं, दैट इज ऑल इलीगल एंड दिट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी इंक्लूडिंग द
the secretary and chairman, they are responsible for this. जिस उम्र में घर में बैठकर सुकून की जिंदगी गुजारी जाती है उस उम्र में सड़क पर उतरना आसान नहीं होता, लेकिन ये दर्द है, ये मजबूरी है। हमारे इतने फ्लैट यहाँ हैं जो सब फ्लैट लीक हो रहे हैं बुरी तरह से, और किस तरह से लोग बाग रह रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है इस प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी को कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व की जाए। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें कि कोई ना कोई फ्लैट नहीं गिरा है या प्लास्टर नहीं गिरा है, या यहाँ जो रह रहे हैं मेंबर वो बेचारे हर्ट नहीं हो रहे। बट हर तरह की कंप्लेंट जाने के बाद में भी ये मैनेजिंग कमेटी जो है वो बिल्कुल भी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सुनती आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद जो तस्वीर बदलेगी इसमें कुछ नहीं, हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इलेक्शन के बाद में सब चीज चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मगर हमें उम्मीद है वी हैव ऑलरेडी सफर्ड We have suffered too much. This managing committee, present managing committee has not taken any initiative or any action for the development of the society. So possibility is there that when the new committee will come, they will take initiative and they will try to help to development the society. ये जो सरकार बनी है उसने कहा था सरकार बनने से पहले कि सबके अच्छे दिन आएंगे और बुरे लोग भाग जाएंगे। आपको लगता है कि अच्छे दिन आएंगे? दिन अच्छे आए हुए हैं। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी अगर वो नहीं इनिशिएटिव लेती, वो अगर स्टेप नहीं करती तो सरकार के कहने से नहीं चल सकती। इसी वास्ते हम बार बार प्रेशर कर रहे हैं ये प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी को कि आप लोग कुछ करिए, बट दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट टेलिंग अस कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं है, कोई रीजन हमको लोगों को नहीं दिया जा रहा आज की भी मीटिंग के लिए। ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि पारदर्शिता की बात होती है लेकिन किसी को कारण नहीं बताया जाता कि सही बजट क्या। जी आज की मीटिंग के लिए भी कोई कमीशन हमको नहीं दी गई, यहाँ तक कि जब जनरल बॉडी होती है तो आपने सेक्रेटरी को इनवाइट किया था कि आप आइए, नहीं आए। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि बायलॉज के हिसाब से ऐसा नहीं होता कि हमको ये मीटिंग बुलानी चाहिए, तुम्हारे पास उतने मेंबर होने चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और मेरा ही नहीं ये सबका क्वेश्चन है, हर मेंबर का, और यही सोसाइटी नहीं कोई भी सोसाइटी हो, एक ही क्वेश्चन है। जब इलेक्शन में वोट मांगने जाते हो तो कौन सा बायलॉ का सेक्शन फॉलो करते हो? तब बायलॉ के हिसाब से वोट मांगने जाते हो? जब कुर्सी पे बैठना होता है तब खाली कुर्सी दिखाई देती है ना? तो आज जिन लोगों ने वोट दिया उनके बीच में आने के लिए बायलॉ चाहिए। अच्छा आपके बारे में बताइए कि आपकी जो बालकनी है बाकी जो जगह है वो किस तरह से अंदर चला गया? जो केस चल रहा है हाईकोर्ट में इट इज अ मोशन पेंडिंग, इट इज अ सूट पेंडिंग, जो बिल्डर ने फाइल किया था एक सोसाइटी के मेंबर के ऊपर, और अगर वो मेंबर वो केस जीत जाता है तो वो बेनिफिट पूरे 274 मेंबर्स को होगा, 272 मेंबर्स को होगा। ये एक या दो या चार या छह जनों का सवाल नहीं, इट इज बाय लार्ज ये पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है, ये दो या चार आदमी का बेनिफिट नहीं। लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है कि हम केस कर रहे हैं, अरे केस तो बिल्डर ने मेंबर पे किया है, ये खाली एक आई वॉश है लोगों को देने के लिए कि अरे मेंबर कंप्लेंट करते हैं तो हमको ओसी नहीं मिलता, मेंबर कंप्लेन करते हैं तो हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अगर आप लेटर में लिखते हैं कि इट इज एन ऑनरी जॉब, हम पैसा नहीं खाते हैं, इट इज एन ऑनरी, तो देन व्हाई आर यू सिटिंग, रेजिग्नेशन दे दो। ये आपसे 3 साल पहले बोला था, और 3 साल पहले हमको बोला था कि हम तो कल रेजिग्नेशन देंगे, आज वो बात को भी आज 3 साल हो गए, रेजिग्नेशन तो दिया नहीं, और इलेक्शन भी जबरदस्ती में बुलाए, और इलेक्शन के पहले टाइम हो गया बाय डिफॉल्ट तुमको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ती है बायलॉज के हिसाब से, एक भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई, या आनंद बानन में इलेक्शन बुलाए, वो क्यों बुलाए रीजन उनको पता है। आप क्या सोचते हैं, इसकी कभी कल्पना की थी आपने? हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, हमने जब ये डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन हुआ तब हमारे बाल काले थे, आज हमारे बाल सफेद हो गए, और कितने दिन हम यहाँ पे ऐसे। तो हम चाहते हैं कि जो मैनेजिंग कमेटी या प्रेजेंट कमेटी अगर वो नहीं काम कर सकते तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, दूसरे को आने दें, देखें कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं बिल्डर के साथ मिलकर, और बिल्डर का फायदा देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमने मेंबरों का फायदा करना है। तो ये सब जो यहाँ पे जो आज यहाँ पे मेंबर इकट्ठे हुए हैं उनकी तकलीफ है, आज हम घर पे रहते हैं पानी बरसता है तो घर में पानी आ जाता है, हमने पूरा अपना सिंकिंग फंड आपने बिल्डिंग रिपेयर में लगा दिया, जबकि एक ब्रांडेड नाम है हीरा नंगानी का, जबकि इतना बड़ा ब्रांडेड नाम है, हमने उनको इसीलिए सुन किया है, उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, तो
उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हमने इनको अपॉइंटमेंट किया था। दाल में कुछ काला है, इसकी जांच करनी होगी और निश्चित रूप से हीरा नंदानी जी आपको इन लोगों की भावनाओं को समझ के बताना होगा कि वाकई इनके साथ ये जो नाइंसाफी है। औरतों के बारे में कहा जाता है कि औरतों से ही घर का सुख मिलता है। यहाँ जो औरतें बैठी हैं इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से परेशानी महसूस करी। आप बताइए कितनी परेशानी होती है इस तरह की जब घटना सामने आती है। आप पानी में रहते हैं और बोलो ना, कठिनाइयाँ तो बहुत ज्यादा है। हम कह नहीं सकते आपको कि जैसे हमने लगा कि हमारा इतना अच्छा बिल्डर महान जो बॉम्बे का एकदम मशहूर बिल्डर हम कह सकते हैं हीरा नंदानी सर, नाम से है कि काम से है बताए मुझे। जब नाम है तो काम भी करके दिखाए ना। हम जैसे मैत्री पार्क को उसने चुना, इतनी बड़ी कॉलोनी उसको चुना हीरा नंदानी ने, तो कुछ काम करना चाहिए कि नहीं बताइए आप बताइए। कुल मिला के काम अगर होता तो इन लोगों को सब छुट्टी के दिन में सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सरकार को भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए ये कहना चाहिए, बताना चाहिए यहाँ के लोगों को कि वाकई आपके अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो 8 साल अभी गुजरे हैं, हो सकता है बहुत साल रहेगा हमारा। मुझे लगता है मैनेजर कमेटी का भी हाथ होगा जो इतना कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो साथ दे रहा है करने के लिए। तो सवाल बहुत है लेकिन इन लोगों की जो नाराजगी है वो सड़क पर उतर गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई इनके अंदर जी बोलिए अपने घर के होते हुए भी अनाथ है इनके। हाँ। इनसे जैसे हमको भीख मांगनी पड़ रही है। सब बुढ़े लोग बेचारे मर गए हैं, घर बैठा है, हर बरसात में कितना खर्चा करना पड़ता है और पैसा देते हैं फिर भी उसके बाद भी ये हालत है। कोई मालिक नहीं है, हम लोग अनाथ हैं बस। हीरा नंदानी ने और हमारे मेंबरों ने मिलकर हम सबको अनाथ कर दिया। इतना बड़ा बिल्डर हो के आज इतने वर्ष में उसने काम पूरा नहीं किया। आज नॉर्मल कोई भी बिल्डर 18 महीने में एक बिल्डिंग खड़ा करता है ना। हमारी कमेटी ने कोई उनके ऊपर कोई पनिशमेंट रखी है? और हर साल एजीएम में ये लोग यही एक्सक्यूज देते हैं, यही सिली एक्सक्यूज देते हैं भाई इनकी वजह से काम नहीं हो रहा, मंदिर की वजह से काम नहीं हो रहा, किसी मेंबर ने केस किया हुआ है। देट इज ऑल हम्बक, ऑल हम्बक। आज मेरे को बताइए इतना तुम्हारा नाम होने से तुम्हारा फायदा क्या है? आज हीरा नंदानी होने से फायदा तुम्हारा क्या है? क्या फायदा तुम्हारा हीरा नंदानी होने से? अगर तुम इतने साल में तुम टावर नहीं बना सकते हो तो लीव इट, लीव इट। जी मेरे साथ सुनिए, हीरा नंदानी को लोगों ने सोच के बोला इधर हीरा कर देंगे, लेकिन हीरा की जगह सिर्फ सब बिखेर दिया कोयला। एक हीरा जो है वो हीरा नंदानी ने जो हमने सुना है कि बिल्डर्स की पॉलिसी गवर्नमेंट में वो बनाता है, वो सब बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, गवर्नमेंट के साथ चलता है। तो ये हमारे 2 टावर के लिए इतना बड़ा एक रीडेवलपमेंट था, इसमें ये कर क्यों नहीं पाया? वाई वॉज नॉट सक्सेसफुल? थाना पवई उसने सब कुछ किया, अगर यही डेवलपमेंट सही कर लेता तो पूरा चंबूर जो है वो हमारा उसको हवाले कर देता। लेकिन इसने जो है ये गद्दारी की और इसका मेन कारण हमारे गद्दारी करने का, कमिटी वाले ने इसको बहुत साथ दिया, उसको हाथ दिया, इसकी वजह से ये बिल्डर जो है आज हमको हमारे आईने के सामने आ नहीं रहे, ये हमको बता नहीं चाहता है। जब तकलीफ हमको ज्यादा है हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप बच्चों का भविष्य देखते देखते अपना यहाँ से जीवन खत्म कर बैठे। हमारे माँ बाप को बहुत आशा थी कि हमारे बच्चे या इस टावर में आएंगे, मगर वो देखते देखते उनकी आंखें बंद हो गई। तो इसका क्या कारण है? ऐसे कई सवाल हैं जिससे इनके सपने टूटे हैं। अब वक्त आ गया कि इनके सपने को समझने की कोशिश की जाए और उस पर पूरा जो करने की स्थिति है उसको निर्मित किया जाए ताकि उनके दिन अच्छे हो सके और कहा जा सके कि वाकई घर का सुख अब इनको मिल गया है। लेकिन हीरा नंदानी जी आपको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि वाकई मुलाकात किसी और समस्या होगी। तब तक मुझे यानी अभी का स्टेशन दीजिए इजाजत। नमस्कार।